पहली बार सारस से हम कितने समय पहले की बात रही थी, हम लगभग 1 साल हो रहा है। उसके बाद कहाँ पे मिले थे? तो यहाँ से जहाँ हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से लगभग 100-150 मीटर दूरी पर मेरा एक खेत है, जैसे यहाँ पे है वहाँ पे एक खेत है। तो उस खेत में हम कुछ काम करने गए थे, तो वही खेत में ये घायल अवस्था में पड़ा था, जिसका एक पैर राइट साइड वाला टूटा हुआ था, एकदम बिल्कुल टूटा हुआ था, थोड़ा सा लगा था, जिसके कारण इसको खून बहुत बह रहा था। खून बह रहा था तो इसकी हालत एकदम ख़राब सी हो गई थी। मतलब हमने देखा तो ये तो है नहीं, देखा जाके तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि बहुत भारी पक्षी, हमको डर लग रहा था, इसका मुंह इतना बड़ा है तो कहीं काट वाट नहीं। जब उसके पास हम नज़दीक जाके देखते हैं इसको, तो एकदम लाचार पड़ा था, तो हम इसको उठा के अपने घर लेकर आए। घर लाने के बाद अपने घर में देसी उपचार, जैसे होता है घर में जो हो सकता है वो उसका किया। धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 महीने में इसका पैर सही होने लगा। 1.5 महीने बाद अपने पैर पर एकदम खड़ा होने लगा। खड़ा होने के बाद जब हम सोचे जब उड़ने लगेगा तो ये चला जाएगा अपने परिवार के पास, क्योंकि जंगली पक्षी है, कहाँ रुकेगा मेरे पास, हमको क्या जानता है कौन है कैसे हैं। पर ऐसा हुआ नहीं, ये मेरे साथ ही रहने लगा। जो हम खाते हैं वही ये भी खा लेता है, जो घर में अमूमन बनता है गांव में, सब्जी रोटी दाल चावल, वही ये भी खाता है। और खाने की जहां तक बात रही है, साथ में खाता है, मेरे प्लेट में खाता है। फैमिली वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग खुश रहते हैं काफ़ी, क्योंकि एक अलग सा दिखता है, कभी हमने ऐसा देखा नहीं था फिल्मों के अलावा। फिल्मों में हमने देखा था, रियल में तो कभी नहीं देखा था। ये हमेशा ऐसे खुला रहता है, जैसे आप लोग आए देखे होंगे खुला था, वैसे ही खुला रहता है, ये बांधा नहीं जाता, क्योंकि इसको हम बांध के या कहीं बंद करके रखते तब तक चला गया होता है, क्योंकि ये ऐसा पक्षी है जैसे हम आज़ाद है, तो इसका जहाँ मन मन करेगा वहाँ आएगा जाएगा, तभी ये रह पाएगा, नहीं इसको बांध के रखते तो जैसे छोड़ते वैसे उड़ जाता है। दोपहर में चला जाता है अपने परिवार के साथ, हमने कई बार देखा है ऐसे ही पक्षियों के 20-25 के झुंड में इसको हमने देखा है, पर ये शाम को, शाम होने से पहले घर वापस आ जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस दिन गया हो या हमको ढूंढ के लाना पड़ा हो या ना आया हो दूसरे दिन आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, रोज़ पर अपने टाइम पे आ जाता है वापस। 4-5 किलोमीटर तक हम इसको ले जाते हैं, ले आते हैं जी, क्योंकि दूर हम इसलिए ज़्यादा नहीं ले जाते क्योंकि रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है, और ये मेरे बिल्कुल सर के पास उड़ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाता कि बहुत ऊपर चला जाए, वहाँ से हमको देखा कर एकदम करीब से रहता है। जैसे सामने से बाय द वे ट्रक को रखा गई तो फिर ये वो एकदम ऊपर जाता है, उसके बाद ट्रक जैसे निकली फिर मेरे पास आ जाता है। नहीं ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, जो करता है वो अच्छा करता है। हमने तो एक इंसानियत के नाते अपना फ़र्ज निभाया था, इसको जब देखा तो हमारे दिल में ऐसा जगह कि इसको ले जाके हमको ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये आज़ाद है ना। अभी हम इसको बांध के रखते या कहीं कैद करके रखते तब तो लोगों को प्रॉब्लम होती, तो हम इसको आज़ाद हैं, जहाँ मतलब आए जाए कोई दिक्कत नहीं है।